नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज। नई सोच, नए अंदाज, बिहार और झारखंड के ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेगूसराय में पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ नारों के साथ ही ग्रीन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। जश्न जिंदगी के बैनर तले 5 सालों से आयोजित हो रहे ग्रीन साइक्लोथॉन की शुरुआत शहर के गांधी स्टेडियम से शुरू की गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए 5 किलोमीटर दूर नौलखा मंदिर पहुंच समाप्त हुआ। इस बार ग्रीन साइक्लोथॉन पॉलीथीन प्रतिबंध को समर्पित था। नगर निगम के मेयर उपेंद्र सिंह, एएसपी अभियान अमृतेश कुमार के नेतृत्व में साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, डॉक्टर, छात्र छात्रा, शिक्षाविदों, पत्रकारों ने हिस्सा लिया। पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ के नारों के साथ लोग पूरे शहर में न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि आज से पॉलीथीन का उपयोग न करने का अपील भी किया। 5 सालों से जश्न जिंदगी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए हर साल ग्रीन साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजन से पॉलीथीन का प्रतिबंध लग रहा है, इसलिए इस बार पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ नारों के साथ ग्रीन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मेयर उपेंद्र सिंह ने कहा कि पॉलीथीन से लोगों की जान जा रही है, इसलिए सरकार ने भी अब पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह आयोजन किया गया है। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। आज जो यह बच्चों लोगों का और सभी सम्मानित गणमान्य लोगों का जो साइकिल रैली निकाला गया, उसका उद्देश्य है ये पर्यावरण को कैसे बैलेंस किया जाए और पॉलिथिन मुक्त बेगूसराय कैसे हो, पॉलिथिन मुक्त बिहार कैसे हो। बिहार सरकार भी इस पर संज्ञान ले चुकी है कि अगर पॉलिथीन बंद नहीं होता है तो लोगों को आगाह किया जाए, उसके बाद जुर्माना भी किया जाए, और उसी के लिए आज यह अवेयरनेस रैली यह प्रोग्राम किया गया। मेरा कहना है कि आप बेगूसराय में पॉलिथीन यूज नहीं करें। यो मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, पॉलिथीन कपड़े का थैला भी बांट रहा हूँ कि आप पॉलिथीन यूज नहीं करें, कपड़े का थैला लेकर आवे, मार्केट करके जाए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन उस पर बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए यह अध्यादेश जारी कर दिया कि अगर पॉलिथीन 10 तारीख के बाद से यूज करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें जुर्माना भी लगेगा। उसी के संदर्भ में हम यह साइक्लोथन जो जश्न जिंदगी के तहत जो प्रभाकर जी जिसके कर्ता धर्ता है उनके द्वारा यह किया गया, और इसमें खास करके बेगूसराय नगर निगम सहयोग किया है कि पॉलिथीन कैसे बंद हो।